हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिना खान इंस्पायर्ड जैकेट। ये जैकेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसे रिक्रिएट करूं। कम बजट में हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। एंड फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। और फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बचा हुआ फैब्रिक इस्तेमाल किया है हाफ मीटर। ये मेरा लगभग हाफ मीटर का फैब्रिक बचा हुआ है। यहाँ मैंने नेट का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आप ये फैब्रिक को बाय करना चाहेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ से कम पेमेंट देना पड़ेगा आधा मीटर का। तो इसे मैंने सबसे पहले दो बार में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम उस पर अपनी कोई भी कुर्ती फोल्ड करके फोल्डर साइड पर प्लेस करेंगे। जो ओपन वाला पार्ट है उस पर मैंने प्लेस किया है, नीचे मेरा फोल्डेड वाला पार्ट है। इस तरीके से कटिंग करने से आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा और बहुत ही आसान तरीके से कट हो जाएगा बिना वेस्ट हुए फैब्रिक। तो सबसे पहले हम हाइट मेजर कर लेंगे। तो यहाँ मैं शॉर्ट जैकेट क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ 14 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। इसके बाद हमने शोल्डर्स, आर्मोल्स और साइड की फिटिंग ले लिया है। थोड़ी सी लूज जैकेट क्रिएट करना है, इसलिए मैंने साइड में थोड़ा सा ज़्यादा लूजिंग रखा है। इस हिसाब से मैंने फिटिंग लिया है। अब हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे। तो नेक की मार्किंग हमने यहाँ लिया है लेंथ वाइज 2 इंच एंड ब्रेथ वाइज हमने 3 इंच लिया है। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक कर्व शेप दे देंगे और ये सारी मार्किंग एरिया को हम कट कर लेंगे। सबसे पहले आप साइड के बचे हुए फैब्रिक को कट कर लीजिए। तो आप देखेंगे आपको पूरा एक पीस में फैब्रिक मिला है, आपके फैब्रिक के कोई भी टुकड़े नहीं हुए हैं, पूरा एक पीस में आपको एक फैब्रिक मिल गया है। इसे आप स्लीव आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कटिंग करने से आपका फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे तो आपको दो फैब्रिक मिलेगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट को लेना होगा और इसे अगेन हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको आर्मोल्स की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन देना होगा इस तरीके से, और इसे भी कट कर लेना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फिटिंग के लिए। आपकी स्लीव की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और फ्रंट पार्ट को हमें सेंटर से भी कट कर लेना होगा, क्योंकि ये मेरी जैकेट है तो सेंटर से कट करना होगा। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट आपको दो पार्ट में मिलेगा। आगे के रॉ एजेस को आप डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लीजिए। और उसके बाद आपको सबसे पहले बैक पार्ट प्लेस करना होगा। बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और उसके ऊपर आपको फ्रंट पार्ट को उल्टा प्लेस करना होगा। और आपको अपना शोल्डर्स अटैच कर लेना होगा, नेक की हेमिंग दे देना होगा। तो यह मैंने ऑल ओवर कर लिया है। अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करना होगा। तो बाकी बचे हुए कपड़े से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया है, उसके बाद हमने ब्रेथ वाइज फोल्ड किया है। उसके बाद हमारी लंबाई जो है स्लीव की, यहाँ लगभग 11 इंच आ रही है। आर्मोल्स की लंबाई ले लेंगे, जैसे कि मेरी यहाँ आर्मोल्स का साइज़ था 7 इंच। 2 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। उस हिसाब से मैंने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से हमने 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, लगभग सबके लिए सेम होता है। और उसे हम ऊपर से कॉर्नर से इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये मेरा बैक आर्मोल है। उसके बाद आपको आर्म्स का मेजर लेना होगा। या मैं थ्री लूज स्लीव क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैंने 6 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हमने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए फ्रंट आर्मोल भी बना लिया है। अब ये सारी मार्किंग एरिया को हमें कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना हो। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए तो आपको 2 स्लीव मिलेगी। आपको सेंटर भी कट कर लेना होगा। स्लीव का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्लीव अटैच करते हैं तो सेंटर से अटैच करना होता है। तो अब हमें इसे 1 अबव द अदर रख दिए दोनों स्लीव को और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों स्लीव की कटिंग कर लिया है। इसके रॉ एजेस को आप चाहो तो बिडिंग करा सकते हैं या फिर डबल फोल्ड करते हुए हेम भी कर सकते हैं। अब हम इस अपने जैकेट पे इसे अटैच करेंगे। जैकेट को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे। सेंटर से शुरू करेंगे इसे लगाते हुए। बस ध्यान दीजिए, फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट साइज बॉडी पर रहना चाहिए और बैक साइड का आर्मोल का हिस्सा बैक साइड के बॉडी पर रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, हमने यहाँ ऑल ओवर अटैच कर लिया मेरी स्लीव को। के बाद अब हम इसे और प्रिटी करने के लिए, और इन्हांस करने के लिए इस तरीके का सिल्वर कलर की लेस में लगा रही हूँ। ये लेस में आगे ओपन पे लगाऊंगी अपने फ्रंट पार्ट पे और स्लीव पे भी लगा लूंगी।
आप चाहो तो बॉटम पे भी लगा सकते हैं, नेक एरिया पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे फ्रंट पार्ट पे और स्लीव के बॉटम पे लगाऊंगी। और उसके बाद आपको साइड भी स्टिच करना होगा। सबसे पहले आपको लेस लगाना होगा, उसके बाद साइड स्टिच कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ऑल ओवर कर लिया, लेस लगा लिया है, साइड भी स्टिच कर लिया है। मेरी जैकेट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है। आप चाहो तो एज इट इज़ भी इसे वेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्यूटी लगेगा। लेकिन अगर आपको इसे और प्यूटी करना, और हैवी करना है, तो मैंने इस तरीके का पैचेस आपको मार्केट में बहुत ही कम बजट में मिलता है, तो मैं ये पैचेस लगा लूँगी ऑल ओवर। प्लस मैंने ये स्टोन का इस्तेमाल किया जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये स्टोन आप फ्लावर शेप में भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर रैंडमली ऑल ओवर इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप ये फैब्रिक लुक के स्टिक करिए, ग्लूगन से ना स्टिक करिए, क्योंकि ग्लूगन से प्रॉपर स्टिक नहीं होगा। फैब्रिक से आप स्टिक करेंगे तो ये नहीं निकलेगा और ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट पर और बैक पार्ट पर भी लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरी जैकेट कितनी ज़्यादा हैवी लग रही है, बहुत ही प्रिटी लग रही है। अगर आपको और हैवी करना है तो मार्केट में और ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के आपके पास स्टोन्स मिलते हैं, तो आप उसे चेक करके क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आप इसके हैवी मटेरियल से भी बना सकते हैं, जो मार्केट में हैवी मटेरियल मिलता है। थोड़ा सा बजट हाई हो जाएगा क्योंकि मटेरियल ही ऑलमोस्ट बहुत हैवी हो जाता है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ मीटर मिलता है, तो वो भी हैवी हो जाता है, कॉस्ट हैवी हो जाता है। लेकिन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ आइडियाज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उस हिसाब से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्रिटी लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।